हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक क्वेश्चन हम लेसन मेजर्स ऑफ लेंथ से ले रहे हैं। टेबल को समझते हैं। मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस लेसन से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को समझना जरूरी होता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। कन्वर्ट 6 मीटर 8 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, मीन्स 6 मीटर 8 डेसीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर यहाँ है और डेसीमीटर यहाँ है, तो 6 मीटर को यहाँ डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो 6 मीटर को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 डेसीमीटर चूंकि पहले से ये डेसीमीटर में है इसलिए इसे सिर्फ प्लस करेंगे। अब आइए समझते हैं आगे। 6 मीटर प्लस 8 डेसीमीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल 10 डेसीमीटर, तो हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 8 डेसीमीटर। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डेसीमीटर हो जाएगा प्लस 8 डेसीमीटर। 60 डेसीमीटर और 8 डेसीमीटर को ऐड करेंगे तो 68 डेसीमीटर होगा। इस तरह से हम 6 मीटर और 8 डेसीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 68 डेसीमीटर होता है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। कन्वर्ट 25 मीटर 5 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, इसे भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो हम 25 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5 डेसीमीटर। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 डेसीमीटर होगा प्लस 5 डेसीमीटर। अंतिम में 250 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 255 डेसीमीटर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मेजरमेंट का। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।